पौड़ी के ब्लॉक थली सैंड की एक ग्राम पंचायत में चौंकाने वाला मामला सामने आया। यहां गांव में मनरेगा में दो मृतकों ने पहले मजदूरी की और उन्हें उसका पारिश्रमिक भी मिला है। बता दें कि थली सैंड ब्लॉक के ग्राम पंचायत बांजकोट के वार्ड सदस्य और आरटीआई कार्यकर्ता शशिकांत मंगाई ने सीडीओ पौड़ी को एक शिकायत सौंपी है। पत्र में मंगाई ने बताया कि बांजकोट में विकास कार्यों में बड़े स्तर पर वित्तीय अनियमितताएं की गई है। आरटीआई के तहत मांगी गई सूचना में बताया गया है कि ग्रामीण भोपाल लाल ने वर्ष 2022 में मनरेगा के एक भूमि विकास के कार्य में 9 दिन मजदूरी की और उन्हें उसकी मजदूरी 1970 रुपए प्रदान की गई, जबकि वास्तविकता यह है कि भोपाल लाल की मौत 4 मार्च 2021 को हो चुकी है। ग्रामीण वामदेव ने वर्ष 2022 में ही मनरेगा में 12 दिन मजदूरी करके 2556 रुपए मजदूरी पाई है, जबकि उनका वर्ष 2021 में निधन हो चुका है। साथ ही 2019 से 2024 तक पंचायत में राज्य वित्त केंद्रीय वित्त के तहत विभिन्न विकास कार्यों में 21,85,155 रुपए की धनराशि का भुगतान दर्शाया गया है, लेकिन माप पुस्तिका में धनराशि का कुल विवरण 14,09,269 रुपए दर्ज है। भुगतान और माप पुस्तिका में धनराशि के विवरण में 7,75,876 रुपए का भारी अंतर सामने आया। शिकायतकर्ता मंगाई ने कहा कि विकास कार्यों में हुई भारी अनियमितता की निष्पक्ष जांच कर जल्द से जल्द दोषियों के खिलाफ कार्यवाही अमल में लाई जाए। वहीं पूरे मामले में डीडीओ पौड़ी गोविंदर कौर ने जानकारी देते हुए बताया कि इस मामले में एक जांच टीम गठित कर दी गई है और इनके खिलाफ कार्य अनुसार कार्यवाही की जाएगी। जांच में जो भी कर्मचारी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। पौड़ी से मुकेश बछेती की रिपोर्ट।